Very good morning to all of you. I am Bindu ma'am. Today 13th February, class 2, subject science, lesson 11. ये lesson 11 जो है forms of water. Water किस रूप में परिवर्तित हुआ, कैसे यूज किए, ये आपके forms of water चैप्टर का नाम है. इसे हम पीछे के क्लास में पढ़ चुके. अब आपका जो है क्वेश्चन आंसर बच गया था, तो इसे हम करवा दे रहे हैं. चलिए अपना खोलिए जो टेस्ट बुक है, क्लास टू के बच्चे साइंस बुक खोलिए और पेज नंबर 90 देखे. लेटेस्ट प्रैक्टिस 90 और 91 करके है, जिसमें कि नंबर ए स्टेट ट्रू और फॉल्स और फॉर द फ्लोइंग सेंटेंस दिया गया है. सेंटेंस उसमें आप देखिएगा कि कौन सा ट्रू है और कौन फॉल्स है. अगर ट्रू रहेगा तो टी से डिनोट कीजिएगा और फॉल्स रहेगा तो एफ से. अब हम ब्लैक बोर्ड की ओर चलते हैं. ऑन बॉइलिंग वाटर चेंज इनटू आइस, तो आपका आंसर राइट है फॉल्स. उसके बाद क्लाउड्स फॉल डाउन एज रेन, आपका आंसर राइट है क्या है ट्रू. स्टीम इज आल्सो कॉल्ड वाटर वेपर, आंसर क्या है ट्रू. चौथा नंबर वी कैन नॉट होल्ड आइस इन आवर हैंड्स फॉल्स. पांचवा नंबर वी ड्रिंक द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, तो ये आपका फॉल्स हो गया. इस तरह से आप CW कॉपी में लिख ले, ये जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं भी है वो भी लिख सकर याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं. एक बार और इसे रिपीट हम कर देते हैं. लेटेस्ट प्रैक्टिस पेज नंबर 90 में देखें, स्टेटमेंट्स किया गया है, नीचे सेंटेंस दिया गया है, उसे आप ट्रू और फॉल्स से नोट करें. तो इसे आप अंकित करें कि क्या टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स. ऑन बॉइलिंग वाटर चेंज इंटू आइस, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो क्या पानी बर्फ में होता है, नहीं. चलिए तो ये आपका फॉल्स हो गया. क्लाउड्स फॉल डाउन एज रेन, क्या बादल जो है, जैसे जब बादल होता है और तब वर्षा होती है, ये सही है. स्टीम इज ऑल्सो कॉल्ड वाटर वेपर, तो स्टीम में ईंधन होता है, इसे हम क्या कह सकते हैं वाटर वेपर भी. तो ये आपका ट्रू हो गया. चौथा नंबर वी कैन नॉट होल्ड आइस इन आवर हैंड्स, चलिए तो ये आपका फॉल्स हो गया. पांचवा नंबर वी ड्रिंक द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, ये फॉल्स हो गया. इस तरह से आप इसे इस तरह से भी नोट कर सकते हैं और 1, 2, 3, 4, 5 टेक्स्ट बुक को देखते हुए आंसर में आप इस तरह से 1 का फॉल्स, 2 का ट्रू, 3 का ट्रू, 4 का फॉल्स और 5 का फॉल्स. एक बार और हम चेक कर लेते हैं, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स. चलिए तो ये कंप्लीट CW कॉपी से नोट कर ले, फिर आगे के वीडियो में आपका जो है मैच द फ्लोइंग गैस माय नेम, इस तरह से आपको और भी आगे बताएंगे. इसे आप सुंदर अक्षरों में कॉपी पे नोट करें और उसे याद भी कर ले. थैंक्स.